हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वी आर प्रेजेंट हेयर विद अनदर न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो दैट इज लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगा थॉर्नडाइक्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, जो E.L. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड ले थॉर्नडाइक द्वारा दी गई एक थ्योरी है जो अधिगम यानी लर्निंग सीखने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाएँ। तो फ्रेंड्स, जो थॉर्नडाइक ने बहुत सारे थ्योरीज दी हैं, उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये जो थ्योरी दी है यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है, और इस थ्योरी का जो संबंध है यानी वो व्यवहारवाद से है, यानी बिहेवियरिज्म। बिकॉज थॉर्नडाइक जो थे वो एक व्यवहारवादी हैं और इनकी थ्योरी व्यवहारवाद से संबंधित है, यानी बिहेवियरिज्म। ये जो मानते हैं, इन्होंने दो चीज़ों का संयोजन यानी एसोसिएशन पर बल दिया है, यानी एस और आर। एस और आर क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो थॉर्नडाइक के बारे में मैं बता देना चाहूँगा, यानी थॉर्नडाइक एक व्यवरिस्ट थे जिनका संबंध यानी अमेरिका से है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, यानी थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड इन्हीं को ही यानी फादर ऑफ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन सोसाइटी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी जब से मनोविज्ञान शिक्षा में आया है, यानी कि एजुकेशन में आया है, तो थॉर्नडाइक को यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है एजुकेशन से संबंधित, यानी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, बहुत सारे लॉज दिए हैं, तो इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एजुकेशन साइक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। तो इन्होंने जो बात की है, इन्होंने जो प्रयोग किया है, यानी कई सारे थ्योरी दिए हैं और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, सीटेट, यूपीटेट, KBS आदि सभी की दृष्टि से। वो कैट यानी बिल्ली पर जो इनका प्रयोग है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, किस तरह से इन्होंने यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, इसके अकॉर्डिंग यानी वो लर्निंग में किस तरह से भूमिका निभाती हैं, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताने देना चाहूँगा, यानी ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी को और भी अलग नामों से जाना जाता है, यानी इसका एक दूसरा नाम है यानी कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। हिंदी में यदि हम बात करें तो इनकी जो थ्योरी है उसे कई नामों से जाना जाता है, यानी संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म। एंड हम बात करें तो एस आर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एंड संयोजनवाद का सिद्धांत,
अगर बात करें तो हम यानी अधिगम का बंद सिद्धांत, तो फ्रेंड्स ये तो रहे यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत की गई है या दी गई है, उसके कुछ नेम हो गए यानी कनेक्शनिज्म, एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। तो बाकी और कई नामों से जाना जाता है जो हिंदी में है, यूपी टेट आदि या बिहार टेट आदि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में जो नाम है वो डिफरेंट हैं तो अलग अलग नामों से पूछ लेता है। तो हमने बात की यानी थॉर्नडाइक, एडविन थॉर्नडाइक के यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इनका संबंध अमेरिका से है, ये साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जो प्रयोग किया वो एक कैट यानी बिल्ली पर किया, और कई नामों से इनकी थ्योरी को जाना जाता है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, इन्होंने जो बेसिकली अपनी जो थ्योरी के अंतर्गत जो बात की है, जो बताया है, उसके बारे में हम बता देना चाहेंगे। यानी इन्होंने जो बात की है यानी लर्निंग, इन्होंने लर्निंग को अपनी थ्योरी के अंतर्गत, इन्होंने लर्निंग को एक रिजल्ट माना है, यानी लर्निंग एक रिजल्ट यानी एक परिणाम या प्रतिफल है। यानी इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग लर्निंग एक रिजल्ट या प्रतिफल या परिणाम है, वो किस किस चीज़ का है, यानी दो चीज़ों का परिणाम है। दो चीज़ों के बीच यदि हम एसोसिएशन करते हैं यानी संयोजन करते हैं, एसोसिएशन यानी संयोजन करते हैं, यानी उद्दीपक प्लस अनुक्रिया, इट मीन्स लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के बीच जो एसोसिएशन है उसी को इन्होंने लर्निंग मतलब लर्निंग माना है यानी परिणाम माना है। तो फ्रेंड्स ये था इनकी थ्योरी। अब बात करते हैं हम यानी एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी रोचक है। रोचकता के साथ साथ काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करते हैं यानी एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग किया है थॉर्नडाइक के, प्रयोग इन्होंने वैसे तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन जो बिल्ली पर जो प्रयोग है वो महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो प्रयोग किया बिल्ली पर, जो प्रयोग किया इनके प्रयोग के अनुसार, यानी इन्होंने एक पिंजड़े के अंदर, मान लीजिए ये कोई पिंजड़ा है, इनके इसके अंदर इन्होंने एक कैट यानी बिल्ली को बंद कर दिया। एक बिल्ली को बंद करने के बाद इन्होंने इसमें एक डोर लगा दी, यानी एक दरवाज़ा है, हम ऐसे बनाते हैं, चलो इसे एक दरवाज़ा है, और दरवाजे का जो लिंक है एक लीवर के थ्रू सेट किया, एक लीवर कह लो या इसे बटन कह लो, एक लीवर के थ्रू सेट किया यानी ये एक लीवर होगा, और एक स्ट्रिंग बांधे इस तरह से दरवाजे में यानी रस्सी, एक स्ट्रिंग सेट के, कुल मिला के इन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया कि उसमें एक दरवाज़ा है जो एक स्ट्रिंग एक लीवर के थ्रू है, यदि उस पे उस लीवर को दबाया जाता है तो रस्सी के थ्रू वो दरवाज़ा खुल जाएगा। उस दरवाजे के बाद यानी आर पार दिखाई देता है इस पिंजड़े से, और दरवाजे के बिल्कुल पास जो दिखता रहे, इन्होंने एक बाउल, एक कटोरे आदि में एक यानी भोजन रख दिया, यानी फूड रख दिया, फूड रख दिया। फूड रखने के बाद अब बिल्ली को इसमें छोड़ दिया, यानी भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली एक्टिविटी करने लगती है, यानी कुल मिला के वो गतिशील हो जाती है यानी रेस्टलेस, और वो उसमें अनुक्रिया आदि करने लगती है। तो जैसे ही वो फूड को देखती है यानी फूड, इन्होंने दो चीज़ों की बात की, यानी जो फूड है वो एक स्टिमुलस उद्दीपक का काम करता है, उद्दीपक मतलब एक स्टिमुलस, एक
उद्दीपक का काम करता है कि बिल्ली को जैसे ही फूड खाना दिखाई देता है तो उसके मन में यानी रेस्पॉन्स आने लगता है, वो रेस्पॉन्स करने लगती है खाने को देखकर, यानी अनुक्रिया करने लगती है। बिल्ली को जैसे खाना दिखाया जाता है तो वो अनुक्रिया करने लगती है, जो फूड हो गया वो एक स्टिमुलस का काम करता है और बिल्ली यानी एक्टिविटी यानी रेस्पॉन्स करने लगती है खाने को देखकर, अनुक्रिया करने लगती है और वो बार बार इधर से उधर भटकती रहती है, इधर से उधर जाती है। जैसे ही कई बार उसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है अचानक से, मतलब उसे पता नहीं होता कि यहाँ पर लीवर सेट है, लीवर पर उसका पैर पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है और वो खाना उसे प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंतर्गत ये बात कही गई है कि यदि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा या कोई भी जानवर यदि गलती करता है, गलती से भी कई बार वो सीखता है, मतलब उसकी जो लर्निंग है वो गलती से भी होती है, भूल से भी उसकी लर्निंग होती है। तो कुल मिला के बिल्ली अनुक्रिया करती है यानी रेस्पॉन्स देती है स्टिमुलस को देखकर, और उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, लीवर पर पड़ने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। एक ऐसी स्थिति यानी ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसी स्टेज आ जाती है कि बिल्ली को ये पता होता है कि लीवर यहाँ पे है तो वो डायरेक्ट लीवर पर पैर रखती है और जो डोर है वो ओपन हो जाता है, मतलब दरवाज़ा बिल्कुल खुल जाता है। अब उसे ज़्यादा रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कुल मिला के सीख जाती है। कुल मिला के जो बिल्ली है वो सीख जाती है कि किस तरह से लीवर पर पैर दबाना है और लीवर खुल जाएगा। तो इन्होंने एक बात यानी पर जोर डाला है कि सीखने के लिए दो चीज़ों का एसोसिएशन मतलब संयोजन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो बताया है यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संयोजन है या फिर एसोसिएशन है वो बहुत ही ज़रूरी है यदि सीखने के लिए। तो सीखना, बिल्ली बार बार गलती करती है, भूलती है, गलती करती है, भूलती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो गलती के थ्रू यानी अपनी त्रुटियों के थ्रू वो चीज़ें सीख जाती है, मतलब लीवर पर पैर मारती है धड़ाक से और दरवाज़ा खुलता है और वो खाना प्राप्त कर लेती है। तो कुल मिलाकर उसके मन में जो उद्दीपक फूड को देखकर जो स्टिमुलस ये उद्दीपक का काम करता है फूड और अनुक्रिया के थ्रू वो सीख जाती है। तो कुल मिला के थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि गलती के थ्रू भी बच्चा सीखता है या कोई भी इंसान सीखता है। तो ये थी इनके ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्होंने दो चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है यानी एसआर थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। एसआर यहाँ पर एस का मतलब स्टिमुलस हो गया, जो खाना था भोजन फूड था खाने का काम करता है यानी स्टिमुलस उद्दीपक, और जो आर आर है वो रेस्पॉन्स आता है खाने को देखकर यानी उद्दीपक को देखकर बिल्ली रेस्पॉन्स करती है यानी अनुक्रिया करती है, कई बार गलती करती है और एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ें सीख जाती हैं। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी है एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यानी के अकॉर्डिंग जो एसोसिएशन है ये संयोजन है यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के थ्रू सीखना यानी लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो ये था इनका प्रयोग जो इन्होंने बिल्ली पर किया। और इसके बाद हम यदि बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने कुछ जो इस थ्योरी के बाद कुछ लॉ भी दिए हैं यानी लॉज ऑफ लर्निंग। ये तो रही इनकी थ्योरी यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके बाद कुछ लॉज भी दिए हैं इसमें से जो कुल टोटल जो 8 लॉज दिए हैं, टोटल सीखने के 8 नियम दिए हैं। इनमें से यदि हम बात करें तो 3+5 यानी 3 जो नियम हैं वो प्रमुख हैं एंड 5 जो हैं वो गौण हैं।
प्रमुख की बात करें तो जो इनके तीन नियम हैं वो प्राइमरी लॉज कहलाते हैं एंड ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो लॉज हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो एग्जांपल के थ्रू एक दो हम बताएंगे। जो प्राइमरी लॉज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी लर्निंग के जो लॉज हैं या नियम सीखने के जो नियम हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो तीन नियम हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रमुख नियम हैं यानी लॉज ऑफ लर्निंग, ये ऐसे कहें कि अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियम। अधिगम के जो प्रमुख नियम हैं कि हम बात करते हैं, यानी प्राइमरी लॉज की हम बात करते हैं, जो प्राइमरी लॉज हैं वो तीन हैं, तीन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, एंड सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। द हिंदी में इनके नाम की बात करते हैं तो यानी तत्परता का नियम, पहला जो हो है वो है तत्परता का नियम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, दूसरा जो अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड जो थर्ड वन यानी तीसरा है प्रभाव का नियम। बेसिकली ये जो लॉज हैं प्राइमरी लॉज हैं यानी प्रमुख नियम हैं सीखने के, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। ये हम इसके बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। तो इसमें इन्होंने बताया कि जब तक कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सीखने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार यानी रेडी नहीं होगा, एकदम तत्पर नहीं होगा, तब तक वो कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता, यानी जो उसकी लर्निंग है वो बिल्कुल नहीं चल सकती जब तक वो कोई बच्चा तत्पर नहीं है। तत्पर का मतलब मेच्योरिटी से हम इसका संबंध बना सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि बच्चा एकदम तैयार नहीं होगा। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं यानी लॉ ऑफ रेडीनेस का, कि हम घोड़े को ले गए, घोड़े को हम तालाब के किनारे यानी तालाब पर ले तो जा सकते हैं, और उसको जब तक पानी, यहाँ हम उसे पानी पिलाना चाहते हैं, जब तक पानी नहीं पिला सकते, जब तक वो तत्पर यानी वो रेडी नहीं है, यदि पानी पीने के लिए वो रेडी नहीं है तो वो पानी पी नहीं सकता, मतलब हम उसे पानी पिला नहीं सकते। या किसी बच्चे को हमें कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं या कोई टेबल सिखा रहे हैं, छोटा बच्चा है 4 से 5 साल का, यदि वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उचित समय नहीं है, तो वो तब तक हम उसे सिखा नहीं सकते। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का जो नियम है ये कहता है कि सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए यानी अधिगम प्रोसेस यानी लर्निंग प्रोसेस के लिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक वो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता है। यदि बच्चा तैयार होगा यानी तत्पर होगा सीखने के लिए, तभी वो सीख पाएगा। यदि हम बात करते हैं यानी दूसरे नेक्स्ट यानी दूसरा लॉ, ये तो हो गया फर्स्ट कि बच्चा जब तक तैयार नहीं होगा वो कुछ भी सीख नहीं सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी रिस्पॉन्स दे लें, मतलब कोई भी स्टिमुलस उसके समक्ष प्रस्तुत कर दें, वो नहीं सीख पाएगा। हम दूसरे की बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम मतलब जितने ज़्यादा अभ्यास होगी किसी चीज़ की, उतना ही हम उस चीज़ में परफेक्ट होंगे, यानी हमारा परफेक्शन, हमारा जो हुनर है या स्किल है वो निखर के आएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एक डॉक्टर की, कोई भी एक डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस करता है यानी एक्सरसाइज करता है बार 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 उस चीज़ को, तो एकदम वो परफेक्ट हो जाता है अपने प्रोफेशन आदि में। तो उसके लिए भी यानी एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस है वो कॉन्टिन्यूसली रखनी चाहिए।
तभी वो सीख पाता है या उसे सारी चीज़ याद रहती हैं। जब हम बात करें कि हमें टेंथ करे हुए काफ़ी साल हो गए, टेंथ के जो कॉन्सेप्ट या हम ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ में यदि किसी ने PCM यानी मैथ से ट्वेल्थ की हो या किसी और सब्जेक्ट से, और ग्रेजुएशन में जाके यदि वो कॉमर्स लेता है, यानी हम ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ में कोई PCM करता है एंड ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में वो आर्ट ले लेता है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसे पता चलेगा कि ट्वेल्थ के सारे जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले थे PCM अब बाकी सब के थे आर्ट में नहीं देखने को मिले, मतलब उसने 3 साल उस चीज़ का अभ्यास नहीं किया तो उन चीज़ों को वो भूल जाएगा। तो कुल मिला के लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि चीज़ों का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हम चीज़ें सीख पाते हैं या हमारे माइंड में या हमारे स्मृति यानी मेमोरी में रहती हैं। इस लॉ में दो चीज़ और निकल के आती हैं, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दो चीज़ निकल के आती हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की जब भी हम बात करते हैं तो यानी दो लॉ ऑफ यूज एंड सेकंड लॉ ऑफ डिसयूज, इसके अंतर्गत मतलब लॉ ऑफ यूज जिस भी चीज़ का हम प्रयोग यानी अनुप्रयोग करते रहते हैं अपने जीवन, अपने लाइफ, अपने डेली जीवन में जिस चीज़ का हम प्रयोग करते रहते हैं वो हमारी मेमोरी यानी स्मृति में हमेशा कंठस्थ हो जाते हैं, मतलब उन चीज़ों को हम याद रख पाते हैं। कुल मिला के अभ्यास का नियम ये कहता है कि काम में आने वाली चीज़ों को हम याद रख पाते हैं, जो चीज़ हमारे यूज की होती हैं, प्रयोग की होती हैं, काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको याद कर पाते हैं, मतलब वो हम अच्छी तरह से सीख पाते हैं। जो चीज़ हमारे मतलब यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव लर्निंग की बात कर सकते हैं, जो हमारे मतलब की चीज़ होती हैं हम उनको अच्छी तरह से सीख लेते हैं और याद कर पाते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारे यूज या हमारे उपयोग की होती हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिसयूज, जो हमारे अनुप्रयोग की होती है, मतलब हमारे जो यूज की नहीं होती उन चीज़ों को हम भुला देते हैं, मतलब वो चीज़ें भुला दी जाती हैं हमारे मेमोरी में, उनका कोई संबंध नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसका जो संबंध है वो हमारे फॉरगेटिंग यानी विस्मरण से है, यानी वो चीज़ें विस्मृत यानी विस्मरण कर दी जाती हैं, उन चीज़ों को हम भूल पाते हैं। या ये कहें कि जो चीज़ हमारे उपयोग की नहीं होती उन चीज़ों को हम नहीं सीख पाते, मतलब की चीज़ें हम सीख पाते हैं, या जो डिसयूज यानी अनुप्रयोग की चीज़ें हैं उनको हम नहीं सीख पाते। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये रहा, यानी कोई भी चीज़ हम यदि प्रैक्टिस में अभ्यास में रखते हैं या किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं, मान के चलो एक बच्ची है 10 से 12 साल की, यदि हम उसे स्विमिंग सिखाते हैं यानी तैरना सिखाते हैं, हमने सिखाया मतलब 1 महीने तक सिखाया, बच्चे सीख गई, यदि और 4-6 साल बाद हम उसे कहने लगे कि बेटा जाओ स्विमिंग पूल में, तो वो हिचकिचाएगी, मतलब एक फियर एक डर का महसूस होगा वो उसे तैरने में। लेकिन यदि 12 साल से उसे 14, 15, 18, 20 साल तक यदि हम प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, उसे अभ्यास ही करा रहे हैं, तो वो एकदम परफेक्शन के साथ कभी भी किसी भी स्विमिंग पूल में वो बड़ी आसानी से तैर पाएगी, मतलब एकदम रेडी रहेगी। तो कुल मिला के जिस चीज़ को हम यूज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो चीज़ हमें अच्छी तरह से याद रहती हैं। और यूज और डिसयूज की बात की, मतलब जिस चीज़ का हम प्रयोग करते रहते हैं, जो हमारे प्रयोग की चीज़ें होती हैं, जो यूज की होती हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से याद रख पाते हैं या सीख पाते हैं, और जो यूज की नहीं होती उन्हें हम भूल जाते हैं, वो चीज़ हम नहीं सीख पाते। या और नेक्स्ट जो थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम की हम बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर जिस चीज़ का हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों को हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, जिसका प्रभाव हमें पर नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रभाव की बात करें तो दो चीज़ निकल के आ सकते हैं, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव इफेक्ट और एक है हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव इफेक्ट हमें सकारात्मक सोच की तरफ ले ही जाता है, मतलब अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, नेगेटिव की चीज़ें हम नहीं सीखते। तो प्रभाव हो गया, जैसे किसी बच्चे ने कोई भी काम किया, कोई बच्चा है, कोई एक बच्चा है, उसने कोई काम किया और उसके डैडी ने उसे डांट दिया, मतलब उसे पनिश कर दिया, तो बच्चा उस काम को दोबारा से नहीं करने वाला। और उसी बच्चे का एक काम किया और उसके डैडी ने उसे यानी कोई प्राइज दे दिया, मतलब शाबाशी दे दी कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा करते रहो, मतलब कीप इट ऑन, तो बच्चा उसे बार बार करेगा। कुल मिला के उसे
उस चीज़ को वो सीख जाएगा, उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा, और मतलब उसे प्रभाव पड़ा कि ये चीज़ अच्छी है, हमें बार बार करते रहना चाहिए, और वो उसे सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ लर्निंग मतलब जो अधिगम के नियम दिए थॉर्नडाइक ने, वो तीन जो प्रमुख नियम हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी तो हमने जो डिस्कस किया, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हमने बात की लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ इफेक्ट। हमने तीन नियम डिस्कस किए जो प्राइमरी लॉज हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे कई बार नहीं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं यानी लॉ ऑफ इफेक्ट की दोबारा से। तो इफेक्ट का संबंध यहाँ पे प्रभाव का संबंध यानी हमारे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा से है। जब हमें मोटिवेशन अभिप्रेरणा मिलती है किसी चीज़ के लिए, तो तब हम पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी कोई बच्चा, छोटा बच्चा, यानी स्विमिंग का एग्जांपल हमने ले लिया है, साइकिल चलाना सीखता है और अंदर से उसे मोटिवेशन मिले, या इंटरनल या बाहर से उसे मोटिवेट करें कि बच्चा आप सीख सकते हो, सीख सकते हो, उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो बच्चा बड़ी आसानी से उसे सीख पाएगा। तो लॉ ऑफ प्रभाव, उस पर जो प्रभाव पड़ा वो उसके पेरेंट्स या उसके बड़ों का पड़ा, और वो बहुत अच्छी तरह से उसे सीख पाया। तो फ्रेंड्स, ये थे यानी प्राइमरी लॉज। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो उन्होंने पांच नियम और दिए हैं, जो टोटल लर्निंग के लॉज जो दिए हैं, लॉज ऑफ लर्निंग वो आठ दिए हैं, जिसमें से तीन प्राइमरी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने डिस्कस किए। यानी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड या एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम बात करते हैं यानी सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज की बात करते हैं तो ये पांच हैं, जो गौण, जिन्हें हम बोलते हैं गौण नियम। वैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं एक दो जो गौण नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। गौण नियम की यदि हम बात करते हैं तो इनका एक नियम है लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, एंड दूसरा, दूसरे की हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ प्राइमेसी की बात करते हैं तो यानी महत्ता का नियम, यानी महत्ता। तो बच्चा तब कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरह से सीखता है जब उसे उसका महत्व तो यानी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्राइमेसी के बारे में उसे बता दिया जाए कि इस चीज़ की हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में ये इम्पोर्टेंस है, ये महत्ता है, तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से और बड़ी रुचि के साथ सीखता है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी रेस्पॉन्स के थ्रू, यानी अनुक्रिया के थ्रू बच्चा सीखता है। बहुत सारी अनुक्रिया करता करता रहता है, एक बार गलती करता, दूसरी बार गलती करता, तीसरी बार सीखता, फिर से गलती करता, फिर भूल जाता है। ये जो नियम है यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर काम करता है, यानी बार बार रेस्पॉन्स करने से भी बच्चा सीख जाता है। यदि उसके सामने हमने स्टिमुलस यानी उद्दीपक प्रस्तुत किया तो बार बार रेस्पॉन्स आएगा, बार बार रेस्पॉन्स आएगा, यानी मल्टीपल रेस्पॉन्स के बाद एक बार ऐसा समय आएगा कब वो सीख जाता है। जैसे बिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि बिल्ली बिल्ली के सामने फूड फूड प्रस्तुत करने के बाद, यानी फूड उसके समक्ष रखते हैं तो वो रेस्पॉन्स करती है। जो फूड है वो स्टिमुलस का काम करता है, एक उद्दीपक का, वो बार बार रिस्पॉन्स अनुक्रिया करती है, बार बार अनुक्रिया करती है, यानी मल्टीपल टाइम रेस्पॉन्स करने के बाद गलती करती है, और एक बार ऐसा समय आता है कि गलती के थ्रू वो सीख जाती हैं। तो ये कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ यानी सेकेंडरी लॉज जो थॉर्नडाइक ने डिस्कस किए। इसमें से दो हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पांच हैं, इनको अलग से भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है प्राइमरी हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से, यानी लॉज ऑफ लर्निंग ये अधिगम के नियम है, उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो तीन नियम है, तीन जो प्रमुख नियम है, यानी थ्री जो प्रमुख नियम है यानी प्राइमरी लॉज, वो पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पहले तीनों के तीनों नियम रख दिए, यानी ऑप्शन में तीनों रख दिए, ए बी सी एंड डी। तो कुल मिला के यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस रख दिया सबसे पहले, यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस रख दिया,
या इसके बाद इफेक्ट रख दिया, और फोर्थ में रख दिया यानी सेकेंडरी लॉज है लॉ ऑफ प्राइमेसी या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या और बहुत सारे जो लॉ हैं वो रख दिया। और क्वेश्चन में पूछेगा कि विच वन इज नॉट द लॉ ऑफ या विच वन इज द यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो नियम है वो प्राइमरी यानी प्रमुख नियम नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो थॉर्नडाइक महोदय ने जो दिए हैं वो तीन प्रमुख नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है यानी लॉ ऑफ प्राइमेसी या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये नहीं है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए यूपी टेट, सी टेट, बाकी सब में, तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। जो लॉ ऑफ यानी सेकेंडरी लॉज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्राइमरी लॉज हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक महोदय के यानी ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो लर्निंग से संबंधित है, लर्निंग की एक थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट में हम जो करने वाले हैं यानी एक ये हो गए, इसके बाद बात करने वाले हैं यानी चार थ्योरी हैं लर्निंग के, लर्निंग से संबंधित। इसमें एक तो यानी थॉर्नडाइक की हो गई एरर एंड ट्रायल थ्योरी, इसके बाद हम बात करते हैं स्किनर की। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सेशन में हम स्किनर को करेंगे यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड इसके बाद पेवलो क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड लास्ट जो हम बात करने वाले हैं यानी कोहलर, कोहलर की जो बात करेंगे यानी इनसाइट थ्योरी यानी सूच का सिद्धांत। तो ये चार थ्योरी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, हर थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट हमने की यानी थॉर्नडाइक थ्योरी, इसके बाद स्किनर करेंगे, फिर पेवलो और कोहलर। और तो फ्रेंड्स ये था थॉर्नडाइक्स यानी थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। मैं ऐसे ऐसा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, हमें बताएं कि आपको ये जो सेशन है हमारे अच्छे लग रहे हैं। लाइक करके हमें बताएं, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वॉज एस पी सिंह साइनिंग ऑफ।